तो गाइस मैं ये सोच रहा हूँ कि कितना डिफरेंस है अपने लिविंग द लाइफ में और एक शार्क किड के लाइफ में। वो बंदे के पास अंधा पैसा है, वो लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती, इतना पैसा होता है कि वो लोग पिक्चर भी बना देते, इतना इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं कि भाई नस्लें उनकी आने वाली वो लोग भी आराम से निकल जाएंगे। लेकिन अपने जैसे जो लो कास्ट लो रेंज वाले हैं, कास्ट वो जो लो रेंज वाले हैं, उन लोगों की हालत क्या है? वो लोग उस पिक्चर से अट्रैक्ट हो जाते, उस गाने से अट्रैक्ट हो जाते, उनको देखना शुरू हो, फिर उनको थिएटर में जाके पैसे दे दिए। मतलब तुम क्यों कर, खुद सोचो ज़रा भाई, मैं क्यों किसी को पैसा दूँ? कंपनी अगर मेरे से 1 लाख का फ़ायदा ले रही है 1 हफ्ते में और मेरे को पूरे महीने का वो सिर्फ 10,000 पे कर रही है, तो मैं क्यों उसके लिए काम करूँगा? खुद सोचो, ये सोचो और समझो भाई, हम क्यों किसी एक्टर को देखें, क्या बेनिफिट मिल रहा है? मैं जाके अगर किसी एक्टर को देख रहा हूँ, मैं वरुण धवन को देख रहा हूँ, तो मेरा ये मानना है कि भाई वरुण धवन को भी मालूम होना चाहिए कि मैं देख रहा हूँ। हवा वाजे में नहीं बोल रहा हूँ, एक मोटिवेशन के रूप में इसको समझो थोड़ा, तो आप लोग समझ सकते हो भाई कि आदमी क्यों नहीं बड़ा हो पा रहा है जो मिडिल क्लास का है।